कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर 3 मई तक हटाने की चेतावनी दी थी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की बात की थी। इसके बाद लाउडस्पीकर को लेकर कई राज्यों में बहस छिड़ी हुई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को धीमा रखा जाए और इलीगल लाउडस्पीकरों को हटाया जाए। इस दौरान सुदर्शन न्यूज ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि लाउडस्पीकर बंद करने पर ये रास्ता निकाला गया। समर्थक मधुकेश्वर ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि इन्होंने लाउडस्पीकर बंद होने के बावजूद अजान के बहाने शोर मचाने का विकल्प ढूंढ लिया। आगे उन्होंने लिखा कि काश हम हिंदू उनसे सबक लेते। सुदर्शन न्यूज के पत्रकार अभय प्रताप सिंह ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। तो क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो के फ्रेम को यांडेक्स पर रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें वन इंडिया कन्नड़ की 8 अप्रैल 2020 की वीडियो रिपोर्ट मिली, यानी ये वीडियो 2 साल पुराना है और इसका हाल में देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो के साथ बताया गया है कि भारत में लॉकडाउन के चलते सभी मंदिर और मस्जिदों को बंद कर दिया गया था। इस कारण मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। वीडियो में एक जगह शिमला बिरयानी का बोर्ड दिखता है, साथ में डॉक्टर एन राय का बोर्ड भी दिखता है। हमने डॉक्टर राय से संपर्क किया। डॉक्टर राय ने ऑल्ट न्यूज़ को बताया कि ये वीडियो हावड़ा के पिलखाना का है। कीवर्ड सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज़ को न्यू शिमला बिरयानी नाम की दुकान की तस्वीर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो की वेबसाइट पर मिली। ये बोर्ड वायरल वीडियो में दिख रहे बोर्ड से मेल खाता है। यहाँ साफ है कि ये घटना GT रोड पिलखाना हावड़ा की है। शिमला बिरयानी दुकान में काम करने वाले एक व्यक्ति ने और एक स्थानीय व्यक्ति ने ऑल्ट न्यूज से ये बात कंफर्म की कि लॉकडाउन के वक्त मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर अजान पढ़ी थी। यानी 2 साल पुराना वीडियो सुदर्शन न्यूज और भाजपा समर्थकों ने बिना वेरीफाई किए हाल के लाउडस्पीकर विवाद से जोड़कर शेयर किया।